أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عظم الطلاق فإن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. ये बात बड़ी काबिल तवज्जो है कि माशरे की एक अहम बात के लिए बेहतरीन कानून वजा फरमाया गया। पिछली आयत करीमा से इसका ताल्लुक ये है, पिछली आयत करीमा में फरमाया अन्नकुम मुलाकू व बशरिल मुमिनीन, कि मोमिनीन को अल्लाह के मुलाकात की खुशखबरी दे दें। तो मोमिनीन के लिए तो ये बात बशारत की बात है, मगर जिंदा रहने के लिए भी कुछ उसूलों की ज़रूरत है, अल्लाह से मुलाकात के लिए भी कुछ उसूलों की ज़रूरत है। सूरह बकरा में उमूमी तौर पर माशरती कवानीन का और आपस में तर्ज माशरत किस तरह रखना है, इसके उसूल बहुत ही वजाहत के साथ बयान फरमाए गए। माशरे ने क्या सूरत इख्तियार की है और इन्हें किन इस्लाहात की ज़रूरत है, तो उन इस्लाहात को कुरान मजीद ने बहुत अच्छी तरीके से बयान फरमा दिया कि आगे चल के आपको करना क्या है। ख़त्म नबूवत चूँकि हो चुकी, नबूवत ख़त्म हो चुकी, आगे न वही आएगी और न ही कोई और सूरत ऐसी मुमकिन है कि जिसमें इतनी जामे तरीन बात की जा सके। इसलिए एक अबदुल आबाद उसूल जो है, जो हमेशा बाकी रहना है जिस उसूल को, उसे बयान फरमा दिया गया। हमारे माशरे में एक आदत है, वो ये है कि जब हमें कोई काम नहीं करना होता तो हम कसम खा लेते हैं और हम ये कहते हैं, जब कोई हमसे पूछे तो हम कहते हैं कि हमने तो कसम खा ली, हम ये काम करेंगे क्यों। अब वो काम किस नौयत का है ये तो आपको देखना है। इस आयत करीमा का जो शान नुज़ूल है वो ये है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बहनोई के बारे में कसम खाई कि वो ना तो अपने बहनोई से गुफ्तगू करेंगे, ना ही उन पर कोई एहसान करेंगे, और जिनकी उनसे लड़ाई है उनमें सुलह भी नहीं कराएंगे। तो इसके लिए ये तीन बातें जो हैं ये ज़िंदगी में बड़ी अहम है और इस पर माशरे की बुनियाद है। यानी लड़ाई को एज इट इज़ बाकी रहने देना, रिश्तेदारों से हुस्न सलूक ना करना और परहेजगारी का अख्तियार ना करना, इस मामले में ये सबका सब माशरे के लिए एक इंतहाई नुकसानदेह सूरत तो है ही, अपने भी दुनिया आखरत के मामलात इससे काफ़ी ख़राब होते हैं। एक बात आपके जहन में ये रहे कि सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के ज़माने में जो बात हुआ करती थी, क़ुरान मजीद की कोई ना कोई आयत इसकी इस्लाह फरमा दिया करती थी। तो अब अगर कोई कहे कि सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से तो गलती हुई, अगर गलती हुई भी तो
इससे आप ये देखिए कि कितनी दूर तक के इसलाहत हो कि क़यामत तक के इसलाह, यानी उनकी गलती से भी हमारे लिए एक ऐसा कानून बन गया जो क़यामत तक के लिए हमारे रहनुमाई कर गया। इसका मतलब ये है कि जिन आयत करीमा के शान नज़ूल को हम माज़ल्ला साहबा के गलती समझते हैं वो भी हमारे हक में रहमत साबित हुआ। इस सूरत में क्योंकि अगर उनसे गलती ना होती तो ये आयत करीमा कैसे नाजिल होती, या अगर ये वाकया नहीं होता तो ये आयत करीमा कैसे नाजिल होती और क्या सूरत बनती? या तो ये होता कि बराह रास्त आयत नाजिल फरमा दी जाती, लेकिन मसला ये कि जो खराबी माशरे में है ही नहीं उसके बारे में कोई बात कैसे की जाए। चुनाचे एक न एक वाकया ऐसा हो जाए जिसके नतीजे में लोगों को याद रहे कि फला वाकया ऐसा हो गया था इसलिए आयत करीमा नाजिल हुई। उमूमी तौर पर तो ऐसा नहीं है, यानी ऐसा नहीं हुआ कि 6666 आयतें हैं, जितनी भी आयत करीमा कुरान मजीद में हैं वो सब के सब इसलिए नाजिल हुई कि तमाम लोगों से गलतियां होती रहीं और फिर वो आयत करीमा नाजिल हुई। ऐसा भी नहीं हुआ, बाज़ आयत करीमा का जो शान नज़ूल है वो यानी तारीफें भी है कि उनसे कोई अच्छा काम सरजद हुआ, कुरान मजीद में मदाह नाजिल हो गई उसकी, ऐसा भी होता है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई वाकया सरजद हो गया, वाकया तो एक बार हुआ लेकिन आयत करीमा हमेशा के लिए नाजिल हो गई कि वो साहब जिनके बारे में आयत नाजिल हुई वो और दूसरे और क़यामत तक आने वाले मोमिनीन व मोमिनात यानी मर्द व ख़वातीन इस सिलसिले में एहतियात बरतें। चुनाचे इसका मामला जैसे मैंने अभी शान नज़ूल अर्ज़ किया कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में, यानी उनके लिए इनका मुआख़ज़ा नहीं फरमाया गया बल्कि उन्हें इस बात की तलकीन की गई, बल्कि उनका नाम भी नहीं लिया गया, एक उमूमी उसूल बयान फरमा दिया गया कि देखो तुम अपने मामलात में अपनी कसम के लिए अल्लाह के नाम का हीला इख्तियार मत करो, और ये बताने के लिए कि मैंने तो कसम खा ली मैं तो ये काम करूँगा ही नहीं, यानी चाहे वो अच्छा काम ही क्यों ना हो, यानी पहले तो अच्छे कामों के बारे में कसम खाना ही नहीं चाहिए।